दो नंबर आदमी है, क्लास इसने एक भी नहीं ली है। अंकल मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपकी ना ये जो औलाद है इसको मैं समझा समझा के थक गया। ये पैसा जाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है अभी, हमने कपड़े ही नहीं बदले और 18 बॉलों पे 11 चाहिए, अफगानिस्तान जीती है। मैंने तुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वूफा नेशन। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला के रहमत करम से हूँ। आज आपके भाई ने पूरा मैंने ब्लैक बना हुआ, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई है और वो सामने मुश्तबा और साथ भी वहीं पे बैठे हुए हैं, बातें बात बूत कर रहे हैं। खैर अभी हमारा यूनिवर्सिटी निकलने का टाइम है, 1 बजे क्लास है और 12 बजे हैं अभी, हमारे पास 1 घंटा है तकरीबन। तो इसलिए ज़रा जो है ना चिल सीन है, ज़्यादा हमें कोई जल्दी जल्दी नहीं है जाने की, हम पहुंच जाएंगे 45-1 मिनट तक। यहाँ ये जो है ना एक्सरसाइज की ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट और इनकी बॉडी बनी हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलने दो इनको, अरे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ज़रा जो है ना अपनी वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा था कि हो जाए, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। रात को अमूमन अपलोड मैं कर देता हूँ, सुबह मैं ऑनलाइन कर देता हूँ उसको, मगर ये अभी जो है ना हो जाएगी, इतना कुछ जो है ना मैटर नहीं करता। अभी बस यूनिवर्सिटी निकलने की करते हैं, थोड़े बाल जो है वो ज़रा ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना मैं इसको सेट कर लूँगा। वैसे कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि मुझे बाल कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए, और कोई जो है मुझे हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर कमेंट में बताना। फिर अभी निकलते हैं और आपको बाद में मिलते हैं, बल्कि मुझे याद आया गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाना है मैंने। भाई साहब ये जो आदमी है ना ये बड़ा दो नंबर आदमी है, क्लास इसने एक भी नहीं ली है। अंकल मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपकी ना ये जो औलाद है इसको मैं समझा समझा के थक गया। ये पैसा क्लास की नहीं ली इसने, क्लास हकीकत बात है, इसको मैं इधर से उठाने के लिए आया हूँ कि क्लास में चलते हैं। मुझे कहते हैं 4 बजे वाली क्लास में जाऊंगा, 3 बजे वाली में नहीं जाना। मैंने तो इसको समझाया कि क्लास ले ली हमारी नहीं है, हम फारिग हो गए। नहीं तेरी क्यों नहीं है, मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ नहीं आएगा? नहीं तो आप जब डूबना चाहता है तो फिर अब देख ना, मैं अपने लेक्चर लेके आया हूँ ना, वो भी नहीं। मुझे एक बात बता, कसम खा, एक सारी बात छोड़, अच्छा कसम, पहला लेक्चर किसका लिया है? क्या पहला लेक्चर किसका लिया? चुप रही, पहला लेक्चर किसका लिया? स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का लिया है, पढ़ के आ रहा हूँ, देखा था इसलिए। नहीं मुझे एक बात बता, इस टाइम तेरा लेक्चर नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, अल्लाह की कसम चल रहा है, तू कैसे झूठ बोल रहा है? लेक्चर चल रहा है मुझसे? नहीं बेटा भी तुम इस्लामिक फाइनेंस का तुम लोग हमें तो मैम ने कहा था बेटा आ जाओ, आपको नहीं कहा था? भाई ये दो नंबर आदमी है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। अंकल आपको अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं ना, आप इसको समझाएंगे आजकल जो है ना इसकी सिटिंग जो है ना गलत हुई पड़ी हुई है, ठीक है? मेरा दोस्त ही गलत है भाई। और सुनाओ आप कैसे हो यार? ऊपर से आप क्या मेरी पोले मुझे धमकियां लगाते हो आप? हैं आप धमकियां लगा रहे हो क्या? आप मेरी पोले खोलोगे? क्या खोलोगे? कौन कौन सी पोल खोलोगे? आपको मैंने अगर कोई बात बता दी इसका मतलब आप उसको राज नहीं रखोगे यार? अब मैं फिर क्या सूरत हाल है यार, इसकी क्लास है तेरी 4 से 5 बजे तक क्लास है ना, 4 से 5 बजे तक फ्री होगा? नहीं 3। हाँ अभी वाला तो मैम ने लेक्चर फ्री किया है ना, इसके बाद भी तेरा लेक्चर है, उसके बाद ये भाई लेक्चर लेंगे, हम जरा व्लॉग बनाएंगे मुस्तनीर के साथ। मुस्तनीर वैसे फाइनल का क्या करना है? तूने घर कितने बजे जाना? बस अब निकल रहा हूँ। हाँ बस वो जा रहा है, वो निकल रहा है भाई। हम जाएंगे 7 बजे, नहीं 6:15 बजे निकलेंगे, 7 बजे तक घर पहुँचेंगे, ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। बल्कि यार मैं सोच रहा था उस बंदे से को ना कल जो है टच करना है, आज घर जाके टच करना। तूने टच करना, मैंने नहीं करना। खैर अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया हुआ था और यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, 6:37 हो गए हैं, रात इस टाइम हुई भी है और मैं और साथ घर जा रहे हैं। भाई आज जो है घर जाके बाकी हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि टाइम कोई नहीं मिला था, क्लासेस वगैरह ली थी, बीच में जो है बातचीत वगैरह होती रही थी, व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने कहा अब जो है यहाँ से निकलते हैं, घर चलते हैं, घर जाके अम्मा ने पता नहीं क्या बनाया हुआ खाने को भी देखेंगे, और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। मैंने कुछ खाया है? नहीं खाया हुआ, खुदा की कसमें नहीं खाया मैं, मुझे याद ही कुछ नहीं था खाना। नाश्ता भी नहीं करता भाई, हकीकत बात बता रहा हूँ यार, इतने काम होते हैं, मुझे रोटी खाना नहीं याद रही, अब मुझे याद आया रोटी खाना। कसम से मैं घर जाके खाना ही सबसे पहले खाऊंगा, मैं एक दफा घर पहुंच जाऊं सही में। अब सोचा है खाना खाने का, भूख लग गई है मुझे। ये भी एक मेरा ना ऑटोमेटिक सिस्टम है लगा हुआ, जेन्युइन बात है, मुझे
मैं वैसे ना यूजुअली जो सा 9 बजे नाश्ता करता हूँ और 2 बजे मेरा खाना होता है दोपहर का। हाँ अब मेरी क्लासेस हो रही हैं, मुझे कोई खाने की फील ही नहीं इस तरह आ रही। अब तू बात कर रहा ना, मुझे भी भूख लग रही है। लग गई है ना, तूने मुझे याद कराया, तूने कुछ भी नहीं खाया हुआ और वाकई मुझे भूख लग गई है। और अब ये इतनी ज्यादा शदीद है कि वो बर्दाश्त वाली नहीं है। पता नहीं ये क्या चक्कर हुआ, मील स्किप हो गया ना एक। हाँ पता नहीं यार, रात को भी मैंने प्रॉपर नहीं खाया हुआ, कल भी नहीं प्रॉपर खाया था खाना। तो अभी घर चलते हैं, फिर घर जाके आपसे बातचीत करते हैं। देखो भाई, घर आके जो है ना अम्मियाँ ऐसे काम भी कराती हैं कि अपनी टेबल आप हमें लगानी भी पड़ जाती है। मामा ये वैसे ज्यादती वाली बात नहीं है। तो अभी हमने खाना खाना है। ये शामी कबाब है, ये शामी कबाब है, ये सीख कबाब है, ये परेजी शामी कबाब मुझे लगे हैं दूर से। जल्दी मामा जल्दी डाले, टमाटर नहीं डाले? नहीं। क्यों? मैंने कहा हो सकता है साग ना खाता हूं। वो खाता है? नहीं खाता। बस लाल नट्स, इसलिए मैंने नहीं डाला। सब्ज मिर्चें डाली हैं इसमें? नहीं, मैंने कहा हो सकता है ये भी है भाई हमारे पास, हमारे पास जो है ना। क्या हुआ है? तुम लोग आंटी कह रही हैं कि ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूं मैं, गुजरावला के लोग हैं। स्पाइसी खाता है? स्पाइसी रहती है। हैरान करीब, तुझे भी सलमान दावा खाना से बवासीर की दवाई लेनी पड़ेगी। मामा थोड़े डालना ताकि वो गिरे मत, डाल दें बस। ये देखो भाई, अम्मा ने चावल भी बनाए हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे हम लोग ऊपर आके बैठे थे, हम बीच में काम शाम करने चले गए थे और यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है। अभी हमने कपड़े ही नहीं बदले और 18 बॉलों पे 11 चाहिए, अफगानिस्तान जीत गया। मैंने तुझे कहा था ना आज पे पैसे लगा लेते हैं 1x बेट से, तूने सुनी नहीं, मानी नहीं मेरी। बेगैरत इंसान, मैं हराम काम क्यों करूँ? भाई आप जितने हराम काम करते हो ना वो अल्लाह ताला जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। आपको एक चीज दिखाऊं मैं, हराम काम मुझे कह रहा है। एक मिनट जरा, ये देखो ये ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ? मुस्तफा कमाल लिखा हुआ ऊपर, उसके ऊपर ये देख लो। नहीं ये देखो। अच्छा तस्वीर चेक करो, इसने कौन सी लगाई हुई है यार। ये शुक्रिया, आपने थोड़ी सी इज्जत दी हुई है आपने भाई को। तस्वीर के नीचे क्या लिखा है? ये रमादा लिखा हुआ है, ये रमदा रमदा। यार ये बड़ा फारिग आदमी है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। खैर अभी हम इसके साथ बैठ के बातचीत करें, जरा मैच लगा यार, मैच देखे यार। किस नल्ले इंसान पे इन्होंने बॉल के लिए किसको दिया? हसन अली को। तो पक्का स्कोर पड़ेगा। मैच लगा, मैच लगा, मैच लगा। लोड है, लोड। भाई आप दूसरा यहाँ पे सर्विस अवेल करो, हमारे वो लग गया है, फाइबर ऑप्टिक लग गई है। मतलब कोई यहाँ आउट हुआ है, अगर ओवर उसका चल रहा था तो मतलब आउट हुआ है मेरे ख्याल से। चल गया, चल पीछे की है तूने? नहीं आगे की है। भाई दो आउट हुए थे, पाकिस्तान की पूरी ऑल टीम आउट हुई थी। पाकिस्तान के साथ आउट हुए थे। लानत है वैसे, खुदा की कसम लानत है। यहाँ पे मैच था, बॉल जाया करवा रहा है उनकी, पता नहीं आप देखते हैं क्या चक्कर है क्या नहीं है। खैर अभी जो है ना हम सारे स्वीट क्रीम पे आए हैं, आइसक्रीम वगैरह खाने हैं, वो बाकी वहाँ पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जो है आइसक्रीम साद के लिए जो है मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था उसका मोल्टन लावा वगैरह, अब वो आ जाएगा, बल्कि ऑर्डर हो चुका है, उसने वो खाना है। खैर हम स्वीट क्रीम से घर जाएंगे तो फिर जो है ना हम व्लॉग को करेंगे एंड।